लोहरदगा लातेहार सीमा पर हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। लातेहार से सटे लोहरदगा जिले के पेसरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पिछले एक सप्ताह से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहे हैं। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और कई बंकरों को तबाह कर दिया है। बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। मारे गए माओवादी की पहचान बाला गंजू के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान मोटार, TNB बम और स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि सोमवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ते देख नक्सली बुलबुल के जंगल में छिप गए थे। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकरों को ध्वस्त कर भारी मात्रा में सामान जब्त किया था। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में CRPF कोबरा बटालियन, सेट झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के अधिकारी और जवान शामिल हैं। बुलबुल गांव और आसपास के इलाके में हुए लैंडमाइन विस्फोट में अभियान के शुरुआती 2 दिन में ही कोबरा के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लगातार मुठभेड़ और बम धमाकों के कारण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।